सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं संजीव कुमार यादव, हमारे चैनल किसान खुशहाल में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं, जब धान हमारा जो है लगभग 40-45 दिन के पार हो जाता है या 55 दिन के लमसम हो जाता है, तो उसमें जो है जैसे तना छेदक जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, जिसे स्टेम बोरर कहा जाता है, वह हमारे धानों में सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिलता होगा कि छोटे छोटे जो है कीट जो है वह गोथ में, जो धान का गोथ जिसे कोई कोई सीका कहता है, वह तने के माध्यम से सीधा बीच में घुस जाता है। जिससे क्या होता है, बीज का जो तना है वह सूखने लगता है। जिससे क्या होता है कि जहाँ से वह बाली निकलती है उस जाके इसके माने गोथ में जो है वह सीका जो है काट देता है, जिससे हमारा सीका जो है बीज का जो है गोथ वो सूखने लगता है। सूख के जो है बाली फिर नहीं निकलेगी, तो क्या होगा उसमें जो बाली नहीं निकलेगी तो फिर कोई मतलब नहीं उस पौधे का, सिर्फ वो वैसे ही रह जाएगा, यूज में नहीं आ पाएगा, वो सूख जाता है। तो उसके लिए हम क्या करें, कौन सी दवा ऐसा डालें जो आराम से हम एक ही बार में डालें कि जिससे हमारा उसे निजात हमें मिल जाए, और उसे ही जो है अगर वो नहीं हुआ इसी के कहते हैं डेड हर्ट। डेड हर्ट मैंने बोले तो जैसे अगर वो नहीं होगा तो बाली निकलेगी ही नहीं, क्योंकि वो बीच वाला जो गोथ होता है वो सूख ही जाएगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना, वो कोई यूज में आ पाएगा। बस उसका क्या है कि नॉर्मल यूज के लिए होगा, बाली नहीं बनेगी। तो उसके लिए आप सबसे बढ़िया दवा जो है, और अगर माने तो छिड़काव तो नहीं करना चाहेंगे, अगर छिड़काव करना होगा तो उसके लिए अलग है। ऐसे ही अगर यूरिया मार रहे, दूसरी यूरिया लमसम मारने के समय ऐसा होता है, तो उसमें क्या है कार्टाफ हाइड्राक्लोराइड जो टेक्निकल है, कार्टाफ हाइड्राक्लोराइड के नाम से दवा आती है, ज़्यादा नहीं है, 100-120 रुपये की ऐसे ही रेंज में आएगी। आप उसे जो है 2 किलो 1 किलो जैसे भी आपका एरिया है उस हिसाब से जो है आप उसे डलवा सकते हैं। और हाँ, बस यही ध्यान रखना है कि नमी जो है खेतों में होनी चाहिए। उसका काम क्या होता है, जैसे आप डालेंगे वो नीचे जो है जड़ में जाएगा, जड़ से सीधा स्टेम में होते हुए मतलब जाइलम फ्लोएम के द्वारा पूरे पौधों में ऊपर तक चढ़ जाएगा। जब चढ़ेगा तो जहाँ भी होगा, जहाँ भी कीट होगा वो मर जाएगा। और बहुत अच्छी दवा है कार्टाफ हाइड्राक्लोराइड, आप यूज करवाइए। अगर आप छिड़काव करवाना चाह रहे हैं और कीट बाहर है, अंदर नहीं है, बाहर कहीं काट रहा है या दिख रहा है, तो थायोमेथाजाम किसी भी कंपनी का आता है, आप उसको ले लीजिए, उसको आप यूज करवा दीजिए। उसको यूज करवाने का मतलब क्या है कि जो बाहर होंगे कीट उसके लिए है, और अगर अंदर दिख नहीं रहा है और बीच में देखेंगे ऐसे टीका जो है खराब होता जा रहा है, बीच में जो है उसे उखाड़ के देखेंगे तो फिर कटा कटा दिखेगा, और आप ध्यान से अगर देखेंगे छीलेंगे तो वहाँ कीट छोटे छोटे दिखाई देंगे। उसके लिए आप जो है कार्टाफ हाइड्राक्लोराइड का यूज करवाइए और रिजल्ट बहुत शानदार मिलेगा आपको। आप नज़दीकी किसी भी दुकानदार के यहाँ जाइए, बोल दीजिए मुझे कार्टाफ हाइड्राक्लोराइड चाहिए, और टेक्निकल बस देखना बोल देना, टेक्निकल में है, बस आप खुद देख लीजिएगा कार्टाफ हाइड्राक्लोराइड, आप उसे यूज करिएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद।